हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसे कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स का कुछ और प्रॉब्लम जो कि हालांकि रेडियो एक्टिव पे हम पिछले लेक्चर में उसी पे बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, और एक और प्रॉब्लम है जो कि हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में, ये भी आपका रेडियो एक्टिव सैंपल पे ही ये क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है, वो भी हम आगे करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम प्रीवियस लेक्चर में ही इस पे हम काम किए हैं, तो होपफुली आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा क्या जा रहा है कि ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल और वो पोटेशियम है। अब ध्यान देखिए, आइसोबार, आइसोटॉप, ये सब हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। तो इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, तो यहां पे दिया हुआ है एक रेडियो एक्टिव सैंपल है पोटेशियम। इसका एटॉमिक मास 19 है और इसका वेट, अब ध्यान से देखिए, जब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोटॉप, और अगर उसका वेट सेम हो तो उसको हम कहते हैं आइसोबार। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव सैंपल पोटेशियम 19 और इसका मास आपका 40 है। न्यूक्लियाई आइदर डिके इनटू ए स्टेबल, तो ये डिके करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये डिके करके कैल्सियम में, जिसका मास तो एटॉमिक नंबर 20 है बट दोनों का मास सेम है, यानी ये क्या है, आइसोबार है, तो ये ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पोटेशियम जो है कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर न्यूक्लियाई डिके, यानी डिके करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम न्यूक्लियाई में, यानी कि यहां है आपका पोटेशियम न्यूक्लियाई है, ये कन्वर्ट होकर आपका किसमें जा रहा है, कैल्शियम न्यूक्लियाई में। और इसका डिके कॉन्स्टेंट, तो इसका डिके कांस्टेंट आपको दिया हुआ है लैम्डा का वैल्यू, आप यहां पे आपको डिके कांस्टेंट जो है ये आपको क्या दिया हुआ है, 4.5 इंटू 10^10 पर ईयर दिया हुआ है। अब इसमें आपको कह रहा है कि इंटू ए स्टेबल, आप ध्यान देखिए, ये मतलब सारा का आप ध्यान देखिए, एटॉमिक मास सबका सेम है, ये 19 चाहे 20 चाहे आर्गन हो, AR इसका 18 और इसका भी मास ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी सबका मास सेम है, सब एक दूसरे का आइसोबार है, और ये डीके कर रहा है, और इसका डीके कांस्टेंट आपको कुछ ये दिया हुआ है 0.5 × 10^-10 पर ईयर। अब क्या कह रहा है, Given of this sample, all the stable potassium, ये आपका है, ये आपका कैल्शियम, आर्गन प्रोड्यूस बाय पोटेशियम। अब ध्यान से दिखाया है कि इसमें एक सैंपल है, ऑल स्टेबल, ये आपका कैल्शियम है और ये आपका आर्गन है, आर्गन न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम ये कन्वर्ट हो रहा है दो में, कैल्शियम में हो रहा है डीके करने के बाद, कैल्शियम ये 20 ये 40 और ये डीके करने के बाद ये आपका आर्गन AR, आर्गन वैसे भी स्टेबल होता है, ये 18-40, तो ये यहां पे दिया हुआ है, ऑफ ए गिवन दैट दिस सैंपल, और ये आपको दिया हुआ है कि ये कैल्शियम और आर्गन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय दिस पोटेशियम न्यूक्लियाई वनली इन द टाइम, और यही टाइम आपको निकालना है कि पोटेशियम जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम में, पोटेशियम कन्वर्ट हो रहा है आर्गन में, यानी इसका न्यूक्लियाई इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो यही है प्रोड्यूस्ड बाय पोटेशियम, पोटेशियम से प्रोड्यूस्ड हो रहा है कैल्शियम और आर्गन,
न्यूक्लियाई वाले इन द टाइम, और टाइम कितना टाइम लगता है तो टी इंटू 10^9 ईयर्स। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टेबल, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ स्टेबल कैल्सियम ये और कैल्सियम ये, कैल्सियम न्यूक्लियाई टू द रेडियो एक्टिव, अब इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको कितना दे दिया हुआ है 99, यानी दोनों का रेशियो है आपको दिया हुआ है, एक तो यहां पे पोटेशियम का रेशियो और दूसरा किसका कैल्सियम का रेशियो, और ये कितना दिया हुआ है 99। तो आपसे पूछ रहा है कि यही आप टी का वैल्यू बताइए। दिया हुआ है कि दो डीके करके, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि सैंपल ये आपका पोटेशियम हो जो कि डीके करके कैल्सियम में जा रहा है, और इसका डीके कांस्टेंट भी आपको दे दिया हुआ है, और ये भी स्टेबल डीके आर्गन में, आप सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है तो आर्गन होता है क्योंकि ये आपका नोबल गैस में आता है, और दोनों का डीके कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। तो इसका अगर हम रिएक्शन लिखे, और आपसे लास्ट में टाइम पूछा है दोनों का डीके कांस्टेंट, तो एक का कितना है आपका 4.5 × 10^10 और दूसरे का है आपका 0.5 × 10^10 रेडियो एक्टिव डीके, तो आपका हो जाएगा माइनस dN/dt डिक्रीज है इसलिए इसमें माइनस का साइन लगाए, λ1 × n + λ2 × n, और यहां पे आपसे पूछा है कि आप टाइम बताइए, और एक चीज और दे दिया हुआ है रेशियो भी आपको दे दिया हुआ कि रेशियो जो है वो 99 का है। तो यहां से अगर हम इसका इक्वेशन लिखे तो ये आपका क्या हो गया माइनस dN/dt डीके कांस्टेंट, लैम्डा के रेट से ये डीके कर रहा है, n + λ2 n, ये आपका क्या हो गया रेट इक्वेशन। अब क्या हमको चाहिए, तो अब हमको चाहिए टाइम, तो टाइम के लिए अगर हमको निकालना हो तो टाइम के लिए हम यूज करते हैं 2.303 / λ1 + λ2 log with base 10 है, 10 में कन्वर्ट करना है तो 203 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहां पे क्या हो जाता है n0 / तो n0 जो कि इनिशियली है डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम, तो n0/n, तो इसका वैल्यू यहां से आपका निकल जाएगा, और वही आपसे पूछा है कि टाइम क्या होगा, तो यहां से वैल्यू अगर हम निकाल ले तो आपका क्या हो जाएगा, सो टाइम इज बेसिकली इक्वल टू 2.303 / अब ध्यान दे दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम वैल्यू ऐड करें तो एक है आपका 4.5 × 10^10 और एक का दिया हुआ है 0.5 × 10^-10, ये दिया हुआ है, और यहां पे आपका क्या है लॉग विथ बेस 10, और ये आपका क्या है, तो दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है 99, तो एक क्या होगा 100/1, तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा 2.303 / तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली में दोनों में नेगेटिव ही होना चाहिए क्योंकि टाइम इतना ज्यादा तो नहीं लगेगा, तो दोनों में नेगेटिव ही अगर हुआ, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन एरर है, ये वाला 10^-10 ही दोनों में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 10^-10 अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो नहीं, प्लस वाला ही ले लीजिए क्योंकि आंसर में ये आपका नहीं, माइनस वाला ही ले लेते हैं 10^-10 और ये आपका फिर ऐड हो जाएगा, तो 4.5 + 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आप कॉमन ले लीजिए तो ये आपका आ गया, और यहां पे क्या हो जाएगा ln n0 यानी कि मैक्सिमम, तो दोनों का रेशियो आपको 99 दिया हुआ है, दोनों का सम किसका दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है 99, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 100/1, तो इनिशियली 100 था और यहां पे आपको दिया हुआ है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टेबल कैल्सियम एंड कैल्सियम जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें पोटेशियम में, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है 99, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 99 वो 1, तो दोनों का रेशियो क्या है 99:1, सो टोटल कितना हो गया
100, तो वही आपको दिया हुआ है। जब भी आपको इक्वेशन लिखना हो तो क्या होता है 2.303 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं जब बेस को कन्वर्ट करना हो 10 में, तो इस बेस को 10 में कन्वर्ट करना था तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लॉग विथ बेस 10 एन नोट बाय एन, तो यहां से वैल्यू बस पुट कर दीजिए तो 4.5 प्लस 0.5 तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां से वैल्यू अब आपके लिए आसान, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, बहुत सिंपल वैल्यू आ जाएगा, तो 2.303 डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दीजिए, 10^-10 होगा, प्लस 10 तो कभी हो ही नहीं सकता है इतना इसका टाइम, तो यहाँ पे प्लस 10 एक जगह होगा तो उसको माइनस 10 से कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5×10^-10 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो ये 99 और दोनों का रेशियो 99 है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इनिशियली 100/1, तो अब तो इस लॉग का प्रॉपर्टी से आपका आंसर आ ही जाएगा, वो क्या आ जाएगा 2.303, इसको 5 ले लेते हैं, 10^10 ऊपर चला जाएगा और log 10 तो 10 का स्क्वायर तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो यहां से वैल्यू आपका आ जाएगा, बस इसको क्या कर लें तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 5×10^10 ऊपर चला गया और यहां पे हो जाएगा 2 log, यहां भी 10 यहां भी 10। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो पावर का पावर क्या हो जाता है बाहर आ जाएगा, यहां आ गया तो ये आपका आ गया आंसर, तो यहां से आपका वैल्यू आ गया। आपको बस यहां पे करना क्या था तो सिंपली तो ये आपका हो जाएगा, यहां से वैल्यू आपका आ गया 2.3 लिख लेते हैं इसको, 2 डिवाइडेड बाय 5 और ये 1 हो जाएगा, बेस भी वही पावर भी वही, यहाँ पे आपका 10^10 आ गया और आपसे 10^9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4.6/5×10×10^9, तो ये करीब करीब ऑलमोस्ट ये 5 के आसपास है, तो यहां से अगर वैल्यू हमको चाहिए तो टी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, वही आपका आंसर है। तो ये इसमें हम क्या क्या सीखे, रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो ये आपका क्या था, ये आपका रेट इक्वेशन है, तो दोनों डिक्रीज कर रहा है, पोटेशियम जो है कैल्शियम में भी कन्वर्ट हो रहा है आर्गन में भी, यानी कि के जो है ये आर्गन में भी कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम में भी कन्वर्ट हो रहा है, सारा का तो मास सेम है क्योंकि ये आइसो बार है, तो पोटेशियम इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो डीके कॉन्स्टेंट, ये दोनों का डीके ये है और दोनों एड हो रहा है, दोनों किस रेट से है तो दोनों में एक जगह आपको प्लस क्वेश्चन में होगा लेकिन दोनों जगह माइनस यहाँ पे कर लीजिएगा क्योंकि वो आपका क्वेश्चन में ही एरर था, तो यहाँ दोनों प्लस कीजिएगा, उसके बाद क्या हम लगाएं तो ये टाइम हम निकालेंगे, तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो टाइम के लिए 2.303 अगर बेस एलन से 10 रखना है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 4.5 प्लस 0.5 तो ये 5 आ जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा लॉग, दोनों का रेशियो आपको 99 दिया हुआ था तो 99:1 तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 100 हो गया तो 100/1 तो यहां से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और ये आपका 2 इधर आ जाएगा तो यहां से वैल्यू ऑफ 10 के आसपास यानी 9.2 आपका आ जाएगा और ये क्वेश्चन जो कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा आइंस्टाइन इक्वेशन पे अगेन, हालांकि आइंस्टाइन इक्वेशन पे बहुत सारा प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं, ये भी प्रॉब्लम उसी पे है, -5 दैट इज ईवी दैट इज काइनेटिक एनर्जी तो इसी पे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन, तो ये जो कि ये आपका यहां वर्क फंक्शन है जो कि यहां पे फाइंड आउट दिया हुआ है, तो हम लिखते क्या है, जब भी हमको कोई इक्वेशन लिखना होता है तो FC/λ दैट इज इक्वल टू जो भी आप एनर्जी देते हैं, तो या तो फाई में जाता है
या ईवी, ये आपका जो मिनिमम एनर्जी होता है इसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन या थ्रीसोल्ड एनर्जी। थ्रीसोल्ड एनर्जी। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन दैट इज फाइनोट इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ, और इस लाइट का वेवलेंथ आपको दिया हुआ है दैट इज लेस देन एच सी बाई फाइव। ये आपको गिवन है, इट इज लेस देन एच सी बाई फाइव। द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज लैम्डा डी। तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा डी से हम डिनोट किया। ए चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा डेल्टा लैम्डा, तो रिजल्ट इन चेंज इन, अब ध्यान से देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका मेटल का सरफेस है, यहां पे इंसिडेंट हुआ लाइट, ये आपका है जिस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, यानी ये आपका मेटल है, इस पे हो क्या रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको हम फाइनोट से दिए हुए, दैट इज एब्सोल्युटली वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, तो वो आपको इसमें गिवन है। ए चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ, तो वो जो चेंज कर रहा है डेल्टा डेल्टा, ये आपका है डेल्टा चेंज जो कर रहा है, और ये आपका लैम्डा है, ये चेंज इन, तो इसके वजह से जो ये चेंज आ रहा है ये आपका क्या है, इसको कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ, तो दो वेवलेंथ है, इंसिडेंट लाइट है इस पे और इसमें दो वेवलेंथ है, एक आपका ये है इसमें चेंज हो रहा है, इसमें जो चेंज हो रहा है, और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ में, और दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, तो ये आपका डी वाला है, ये आपका है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ये आपका है सिंपल वेवलेंथ जो कि आपका इंसिडेंट लाइट है, तो वो आपका चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड सिंपल वेवलेंथ। अब ध्यान से देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा कहां से, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम हमेशा यूज करते हैं एच बाय एम बी, ये होता है, ये इसी कहते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि जब लाइट दो नेचर शो करता है, जब वो वेव नेचर शो करता है तब उसका जो वेवलेंथ होता है उसी को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, जब वो वेव नेचर शो कर रहा है, जब पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो वो फोटोन वाला, तो ध्यान से देखिए इसको आप फोटोन वाला भी समझ सकते हैं, तो दो नेचर लाइट का, दो नेचर होता है, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर, जब पार्टिकल नेचर शो कर रहा होता है तब वो फोटोन के टाइप वर्क कर रहा होता है, तो ये वाला जो वेवलेंथ है ये फोटोन वाला है, और आपको रिलेशन किसमें चाहिए, तो एक तो लाइट का दो चीज है, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा आपको वेव नेचर, और दोनों का चेंज के बीच का रेशियो पूछा है आपसे, इसका रेशियो बताइए, तो दोनों में पहले रिलेशन निकालते हैं, फिर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या है चेंज डेल्टा डेल्टा लैम्डा डी डी ब्रोगली वेवलेंथ, और सिंपली यानी कि जब वो वेव नेचर शो कर रहा है, जब वो फोटोन शो कर रहा है तब क्या करता है पार्टिकल नेचर, तो इसमें कौन सा ये है, ये आपका है पार्टिकल नेचर, और जब ये वेव नेचर शो करता है तब वेव ब्रोगली वेवलेंथ होगा, और दोनों के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, तो हम रिलेशन ऐसा कैसे निकालेंगे, और ये भी एक आपको यहां पे हिंट भी दिया हुआ है कि ये वाला आप रिलेशन को यूज कर सकते हैं कि लैम्डा इज लेस देन एच सी बाय, तो यहां से हम क्या लाए हैं एच सी बाय फाइव, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव दैट इज वर्क फंक्शन फाइंड आउट इट इज ईवी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ ई से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां से सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एच सी बाय
लैम्डा इंटू ई, लैम्डा इंटू ई, इसको पीएच ले लेते हैं, फोटोन वाला है इसलिए पीएच इसको ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय ई, यहां से आपका फाई नोट बाय ई हो जाएगा, और ये आपका सिंपली वी हो जाएगा। तो ये आपका आ गया यहां से। अब इसका हम रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई भी कर दे और मास से डिवाइड भी कर दे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो एम वी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो एम वी के जगह पे हम लिख सकते हैं पी, दैट इज सिंपली मोमेंटम। तो यहां पे आपका आ जाएगा पी स्क्वायर, तो ऊपर से एम से मल्टीप्लाई किए पी स्क्वायर बाय टू एम, ये आपका रिलेशन आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय एम। तो यहां से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और चेंज आपसे पूछा है तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहां से अभी तक क्या है रिलेशन, एच सी पाई लैम्डा पी एच, ई से डिवाइड कर दिए हैं, फाइ बाय ई। अब ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी, ई से डिवाइड कर दिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ई से डिवाइड कर दिए, तो सारा आपका क्या आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय टू एम। कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम से मल्टीप्लाई कर दिए, एम से डिवाइड कर दिए, और एम वी को क्या लिख दिए, पी। एम वी क्या है यहां पे, मोमेंटम, ये आपका सिंपली मोमेंटम है। अब यहां पे कन्वर्ट कर दिए, अब दोनों नेचर है। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, ये सिंपली एच बाय एम वी के बराबर है, तो एम वी को हम पी भी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब रिलेशन यहां से हम आ सकता है, सो एम वी दैट इज बेसिकली इक्वल टू एच बाय, जी हाँ, अब यहां से हम रिलेशन आ सकता है कि ये आपका क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को एम वी के टर्म में हम लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको क्या, पी को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये आपका पी है, पी एच बाय लैम्डा डी। तो पी के जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एच बाय लैम्डा डी का ये स्क्वायर हो जाएगा, बाकी टू एम ये तो चलता ही रहेगा। तो यहां से आपका रिलेशन आ गया। अब इसको अगर थोड़ा सा करें, क्योंकि आपको चेंज पूछा है, लास्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो दोनों के बीच का रिलेशन आपका आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, एच सी बाय लैम्डा पी एच इंटू ई माइनस फाइव बाय ई, और यहां से आपका क्या हो गया, एच स्क्वायर बाय टू एम, और यहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा डी यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब रिलेशन आ गया इसमें और इसमें, दोनों में आपको रिलेशन आ गया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें, तो एक बार हम चेंज करें, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, इसी को कहते हैं हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ये आपका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो यहां पे क्या है, आपको रिलेशन तो इसी दोनों में चाहिए, तो बाकी सब तो कॉन्स्टेंट टर्म है, फाइ ये तो आपका वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन है, तो ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये तो वर्क फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, पीएच का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो लैम्डा पीएच का पावर माइनस वन, तो माइनस वन बाहर आ जाएगा, और इस पर पावर माइनस टू हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इसका करेंगे तो लैम्डा डी का पावर माइनस टू है, तो माइनस टू आगे आ जाएगा, और इस पे माइनस थ्री चढ़ जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान है, बाकी सब कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा, बाकी रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से आपका क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका पावर लैम्डा पीएच का पावर आपका माइनस वन है, और लैम्डा पीएच का पावर यहां पे माइनस टू है, तो माइनस टू माइनस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस वन लैम्डा पीएच का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू माइनस टू लैम्डा
डी। अब ध्यान से देखिए, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं, इसका पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन है, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिए और यहां से आपका रिलेशन पूरा सिंपल हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन कर दिए और यहां से आपका रिलेशन क्लियर हो गया, -1/λph का स्क्वायर हो गया और यहां पे डी लैम्डा पीएच हो गया और डाके जो कि इक्वल हो जाएगा -2λ डी का होल क्यूब हो जाएगा। और ये लैम्डा ये आपका डी आपका क्या हो जाएगा लैम्डा और ये आपका डी हो जाएगा। और यही आप दोनों का रेशियो आपसे पूछा था, तो अब रेशियो निकालना आसान हो गया। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किए। एक बार डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आपका गया लैम्डा पीएच का, तो लैम्डा पीएच हो गया। इधर क्या हो जाएगा डी के लिए, तो लैम्डा यानी कि डी लैम्डा और ये डेल्टा डी हो गया। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। दोनों का रेशियो पूछा है तो रेशियो अब आपका बहुत आसान हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, तो लैम्डा पीएच डी किसके बीच में आपका रिलेशन चाहिए था, आपका रिलेशन जिसके बीच में भी चाहिए था, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, लैम्डा पीएच बाय डी लैम्डा डी, तो इसका रिलेशन ये आपका हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में चला गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा पीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा डी का होल क्यूब, ये आपका आ जाएगा। और निगेटिव साइन दोनों से कैंसिलाइज हो जाएगा। सो इट्स ए एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2017।